हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक इट चैनल को और दबाइए उस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक इट चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 25 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 25 ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर ट्रिपल सी की लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ट्रिपल सी के जो टेस्ट में आपके दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं मल्टीपल चॉइस और एक होते हैं ट्रू फॉल्स। तो आज हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, आप लोग सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन बन के आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप लोग नए हैं तो। और उसके बाद देखिए ये वीडियो, तो 25 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और अब देखते हैं ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल सही बात है, यूटिलिटी आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। और अगर इतनी बात ट्रू लिखी है तो इससे आगे भी ट्रू ही लिखा होगा, तो मतलब पूरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। 26 आपका ट्रू हो जाएगा। देखिए, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, यहाँ पर देखिए नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों के फ्रेंड हैं कोई ट्रिपल सी की तैयारी कर रहा हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ इस वीडियो को। अगला देखते हैं 27 क्वेश्चन, डेटा संचार में सूचनाएं हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक कैरी होती है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। जब भी आप लोग कम्युनिकेट करेंगे कहीं पे, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल करेगी, तभी दूसरे के पास पहुँचती है। 28 देखते हैं, स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एंड ड्रोन कैमरा आपके जो हैं लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के एग्जांपल हैं। जिन लोगों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने ये चैप्टर्स में पढ़ा रखी हैं ये सारी चीज़ें। उधर आपकी थ्योरी भी चल रही है साथ ही साथ, और इधर आपके लाइव टेस्ट भी चल रहे हैं, तो ये सभी जो हैं आपके ये लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के एग्जांपल हैं, ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। 29 देखते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पेजों पे जा सकते हैं। देखिए, जब भी हम प्रिंट करते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, तो उसमें जब हम प्रीव्यू लेते हैं, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू लेते हैं कि हमारे पेज किस प्रकार से शो हो रहे हैं, तो उसमें हम सभी पेजों पर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी पेजों पर जा सकते हैं, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन है, ALU इज़ यूज टू स्टोर डाटा। ALU का उपयोग जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ALU का उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ALU का उपयोग होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए। और आप लोगों को, अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अगर ALU की फुल फॉर्म पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और ALU की फुल फॉर्म लिखें, जिसे पता है वो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डाटा को रेंडम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। मैग्नेटिक टेप जो होती हैं, जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, वो सेकेंडरी डिवाइस होती हैं, उनमें हम लोग डाटा को रेंडम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डाटा आपका रेंडमली एक्सेस होता है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती हैं, रैम और रोम से डाटा को हम लोग रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। 32 क्वेश्चंस देखते हैं, एक हार्ड डिस्क के दो से अधिक हेड हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। ये आपके एक हार्ड डिस्क में दो से अधिक हेड हो सकते हैं, ट्रू हो जाएगा आपका। 33 है, एक ही समय में कई विंडो खोली जा सकती हैं, ट्रू है ये क्वेश्चन, एक ही समय में आप कई विंडोज़ को खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कुकीज़ का काम जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना
नहीं होता है, एग्जीक्यूट कोड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो है वो हिस्ट्री का एक पार्ट है और यहाँ पर प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करने से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग सिर्फ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 आपका पूछ रहा है, किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले उसे फॉर्मेट करना आवश्यक होता है। बिल्कुल ट्रू, ये आपका सही बात है। जब भी हम लोग किसी भी डिस्क में अपना डाटा स्टोर करेंगे तो पहले उसे फॉर्मेट करेंगे, उसे खाली कर लेंगे और उसके बाद ही उसमें डाटा स्टोर करेंगे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय में एक से ज़्यादा ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। एक समय में आप लोग एक से ज़्यादा ब्राउज़र्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। 37 है, एक ALU के पास CPU, मेमोरी कार्ड, डिवाइस बोर्ड, पावर प्लग होता है। देखिए, ALU यहाँ पर दिया गया है, ALU कंटेन करता है CPU को, मेमोरी बोर्ड को, डिवाइस बोर्ड को, पावर प्लग को, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये आपका फाल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे CPU दिया गया होता, यहाँ पर CPU कंटेंस करता है इन सभी चीज़ों को। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, ALU जो है वो आपका खुद एक CPU का पार्ट होता है, वो कंटेन नहीं करेगा, CPU इन सभी चीज़ों को कंटेन करेगा, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। प्राइमरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। सेकेंडरी में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है, प्राइमरी में कम होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपका रैम और रोम, तो इनकी क्षमता कम होती है, और सेकेंडरी जो आपकी होती हैं, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, इनकी क्षमता ज़्यादा होती है, आप जितना चाहो उतना इसे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, अभी मैंने बताया था ALU जो है वो आपका CPU का ही एक पार्ट होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। बिल्कुल ट्रू है, सही बात है, जो आपका डाटा को रिसीव करेगा वो क्लाइंट होगा, और जो डाटा को देता है वो होगा आपका सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर 41, कोई मेमोरी चिप 100 KB तक डाटा स्टोर कर सकती है, यानी लगभग 1,00,000 byte तक डाटा होल्ड कर सकती है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। 100 KB इज़ इक्वल टू 1,00,000 bytes, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और नंबर सिस्टम अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, और जिसे भी नंबर सिस्टम की वीडियो चाहिए हो तो आप लोग फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नंबर सिस्टम की वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है क्या इसका डेसीबल इतना होगा, तो ये आपका ट्रू है, इतना ही है। और कैसे है, अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम सीखने हैं, अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है कंप्यूटर में, अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट कीजिए, तो मैं नंबर सिस्टम की वीडियो भी अपलोड करूँगा, और उसके बाद शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ शेयर करना है, हर जगह अपने व्हाट्सएप फेसबुक पेज पर हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है, VDU इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों के लिए प्रयोग की जाती है। ट्रू होगा ये आपका, VDU जो है वो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए प्रयोग की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, रैम मेमोरी इज़ ए नॉन वॉलेटाइल, जो रैम होती है आपकी वो अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। रैम आपकी जो है वो वॉलेटाइल है, चेंज होती रहती है, अपरिवर्तनशील नहीं होती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 45 देखते हैं, टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और स्टोर कर सकता है। बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा आपका।
जो भी टेक्स्ट एडिटर होगा वो क्रिएट भी कर सकते हैं आप उसे, उसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका, 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में आपके 1024 बाइट होते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एकल बिट द्वारा आप कोई दो अलग बस्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। विद अ सिंगल बिट यू कैन रिप्रेजेंट एनी टू डिस्टिंक्ट आइटम, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एकल बिट के द्वारा आप दो अलग वस्तुओं को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इम्प्रूव आपको अपने कंप्यूटर की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए सर्वर पर आमतौर पर अनुरोधित फाइलों को, मेमोरी को कैश में संग्रहित करते हैं, क्या आप कैश में संग्रहित करेंगे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल सही सही दिया गया है, कैश में संग्रहित करेंगे आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है, ट्रू होगा, सिस्टम बस का जो प्रयोग होता है वो आपका सीपीयू और केंद्रीय सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। द लास्ट क्वेश्चन इज, एक माउस में तीन बटन होते हैं, एक माउस में ठीक तीन बटन होते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, माउस में तीन बटन होते हैं। माउस आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस आकार का होता है, सॉरी कुछ इस आकार में माउस होगा आपका, और दो बटन आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ पे होते, एक बटन ये होता है लेफ्ट बटन और एक ये होता है राइट बटन, और एक बीच में जो स्क्रोल बार होता है यहाँ पे, इस प्रकार का स्क्रोल बार होता है, तो उसे भी हम लोग प्रेस करके बटन के तौर पर उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे होता है स्क्रोल बार, इसको भी हम लोग बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो माउस में आपके तीन बटन होते हैं, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किए हैं सभी आप लोग जाके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को सिर्फ मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा अभी, आप लोगों को सिर्फ चैनल को बढ़ाना है और वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो को हर जगह शेयर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में और सब जगह आप लोगों को वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा चैनल के साथ लोग जुड़ जाएंगे और उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।